तो गाइज ये है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस के ईयर 4 का एनुअल। ईयर 5 की स्टोरी को समझने के लिए ये एनुअल जरूरी है, तो इसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब हवा में उड़ने वाले हीरोज जमीन पर हमारे साथ चलते थे। एक टाइम था जब एक आदमी उम्मीद की निशानी थी। तब हम देखते हैं 5 लोगों को एक गार्डन में सुपरमैन के स्टैचू पर बॉम्ब लगाते हुए। तभी उनमें से एक आसपास के बाकी लोगों को दूर हटने को कहती है और अगले ही पल वो बॉम्ब फट जाता है। तब हम आगे सुनते हैं कि जब उस आदमी की दुनिया तबाह हो गई तब वो बदल गया। अब वो कोई उम्मीद की निशानी नहीं है, अब वो डर की जगह ले चुका है। जैसा कि कहा जाता है, या तो आप हीरो की मौत मरते हो या फिर आप तब तक जिंदा रहते हो जब तक एक विलन ना बन जाओ। तब वहाँ बीच में खड़ा सुपरमैन फ्लैश को बुलाता है और वो उसको आसपास छानबीन करने को कहता है, जिसपे फ्लैश तुरंत सुपर स्पीड में आसपास हर जगह नजर दौड़ा के सुपरमैन के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। तब सुपरमैन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिसपे उनमें से एक कहती है कि हम लोग आम लोग हैं जो कि सुपरमैन के शासन के खिलाफ हैं। तभी साइबर वॉच टावर से सुपरमैन को बताता है कि वहाँ 5 लोग थे जबकि तुम्हारे सामने 4 लोग ही बंधे हुए हैं। इतना सुनते ही सुपरमैन और फ्लैश तुरंत 5वें मेंबर को ढूंढने निकल जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं पास पड़े बेंच को हिलते हुए, जिसपे हमें पता चलता है कि वो कोई बेंच नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर है जो कि बेंच का भेस लिए हुए बैठा हुआ था। पर जैसे ही वो शेप शिफ्टर अपने साथियों को छुड़ाने जाता है तभी वो देखता है कि फ्लैश उसके सामने होता है। फ्लैश तुरंत सुपरमैन को बुलाता है पर अगले ही पल वो शेप शिफ्टर खुद को एक डायनासोर में बदल लेता है। पर इससे पहले वो फ्लैश को हाथ लगाता अचानक सुपरमैन वहां पहुंचता है जो कि आते ही उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। और जैसे ही सुपरमैन उसे उठाकर उस पर अगला वार करने जाता है तभी वो शेप शिफ्टर अपने असली फॉर्म में आता है जो कि सुपरमैन से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तब फ्लैश उसे देख के बोलता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ। तब हॉल ऑफ जस्टिस में सुपरमैन उस शेप शिफ्टर को बाकी क्रिमिनल्स के साथ कैद करने का फैसला करता है, जिसपे फ्लैश पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये कौन है। सुपरमैन बताता है कि ये ल्यूक मैकडनाग है, जिसपे फ्लैश कहता है कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि इसके बाद कौन आने वाला है। तब हेल ल्यूक को द ट्रेंच में लेके जाता है जहाँ सारे सुपर विलन और ग्रीन लैंटर्न्स कैद हैं। दूसरी तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में फ्लैश सुपरमैन के पास आके उसे बताता है कि वो आ रहा है। तब वंडर वुमन सबसे कहती है कि उस पे अपनी कड़ी नजर रखना, वो जितना दिखता है उससे ज्यादा खतरनाक है। तब हम देखते हैं किसी को हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर आते हुए। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ल्यूक मैकडनाग का पिता प्लास्टिक मैन होता है। प्लास्टिक मैन अंदर आते ही बोलता है कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस जगह के साथ जो किया, पर एक अच्छे डिक्टेटर होने के नाते तुम अपने दोस्त के लिए उसके बेटे को तो छोड़ ही सकते हो। जिसपे सुपरमैन कहता है कि नहीं, और डायना कहती है कि सुपरमैन कोई डिक्टेटर नहीं है। जिसपे प्लास्टिक मैन कहता है कि वो लिटरली एक राजगद्दी पर बैठा है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लोग अच्छे लोग हो, देखो तुम्हारी टीम में कौन है। तब साइबॉर्ग सिनेस्ट्रो की तरफ देखता है, जिसके बाद प्लास्टिक मैन सुपरमैन से कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें तो समझना चाहिए मुझे, ये सब तुम्हारे बेटे के मरने पर ही तो शुरू हुआ है। इतना सुनते ही सुपरमैन प्लास्टिक मैन की तरफ गुस्से में बढ़ता है, पर फ्लैश सुपरमैन को बीच में ही रोक लेता है प्लास्टिक मैन से ये बोलते हुए कि अब जाने का वक्त आ गया है। तब प्लास्टिक मैन फ्लैश के साथ बाहर जाते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैरी। तब बैरी बताता है कि सब ठीक होने में वक्त लगेगा, पर हम अपनी प्रॉब्लम से भाग तो नहीं सकते। तब प्लास्टिक मैन बैरी को एक गली में लेकर जाता है जहाँ वो अपनी पावर्स को यूज करके बैरी को बेहोश कर देता है। और अगले ही पल फ्लैश की आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। पर जब फ्लैश की आंखें खुलती है तब वो अपने सामने देखता है साइबॉर्ग को, जिसको वो बताता है कि प्लास्टिक मैन अपने बेटे को छुड़ाने जा रहा है। जिसपे साइबॉर्ग कहता है कि वो नहीं छुड़ा सकता क्योंकि द ट्रेंच तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं है। जिसपे बैरी कहता है कि मैंने प्लास्टिक मैन को वो चीजें करते देखा है जो कि मुझे भी इम्पॉसिबल लगती थी। तब फ्लैश और साइबॉर्ग मिलके द ट्रेंच के एंट्री पॉइंट्स देख रहे होते हैं। तब फ्लैश कहता है कि प्लास्टिक मैन को इनमें से कुछ जगहों में घुसने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे, जिसपे साइबॉर्ग कहता है कि उसे कोई टूल नहीं मिल पाएंगे। तब हमें पता चलता है कि वो फ्लैश नहीं बल्कि प्लास्टिक मैन होता है, जो कि साइबॉर्ग से कहता है कि फिर भी उसके बेटे पर नजर रखो। तब साइबॉर्ग बोलता है कि ठीक है फिर मैं ट्रेंच के वार्डन को बोल देता हूँ। तब प्लास्टिक मैन हॉल ऑफ जस्टिस के रूम के अंदर जाके ग्रीन लैंटर्न्स की लैंटर्न रिंग और कुछ चीजें चुरा लेता है। तब हम आगे देखते हैं प्लास्टिक मैन को अपने दोस्त वूजी के साथ, जो कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर होते हैं। और अगले ही पल प्लास्टिक मैन नीचे पानी में छलांग लगा देता है। अंदर पहुंच के प्लास्टिक मैन
द ट्रेंच के एंट्री पॉइंट्स की तरफ जाता है, जहाँ से अंदर घुस के वो तुरंत एक गार्ड का चेहरा ले लेता है और उसके कपड़े पहन के वो मेस हॉल की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो देखता है सारे विलन्स और लैंटर्न्स को एक साथ खाना खाते हुए। तब प्लास्टिक मैन चुपके से किलोवॉक के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ सबको और अपने बेटे को छुड़ाने आया हूँ, क्या तुम सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो। किलोवॉक कहता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगले ही पल किलोवॉक बेन के पास जाके उसके मुंह पर जोर से हमला करता है, और तभी सारे प्रिजनर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तब प्लास्टिक मैन आगे बढ़ता है और पहुंचता है सील्ड सेल्स की तरफ, तभी उसे किसी की आवाज आती है। तब प्लास्टिक मैन मुड़ के वहाँ के कैमरे की तरफ देखता है, जहाँ से वहाँ का वार्डन बोलता है कि अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए, क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है। जिसपे प्लास्टिक मैन कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तब वो अपने बेटे के सेल के बाहर जाता है, जहाँ पे वार्डन कहता है कि तुम इन सील लॉक्स को नहीं खोल सकते। तब प्लास्टिक मैन अपना हाथ उस लॉक के अंदर डालता है और कुछ ही देर बाद वो उस लॉक का की बना लेता है, और अगले ही पल ल्यूक के साथ साथ सील प्रिजन के सारे कैदी भी बाहर आ जाते हैं। तब प्लास्टिक मैन अपने बेटे को एक बेल्ट देता है, जिसके बाद वो उसे आगे बढ़ने को कहता है। दूसरी तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में लीक को पता चल जाता है कि द ट्रेंच में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, और तभी सुपरमैन, वंडर वुमन, हेल और सिनेस्ट्रो के साथ ट्रेंच की तरफ बढ़ता है। द ट्रेंच में प्लास्टिक मैन किलोवॉक को रोकता है, पर तभी वो देखता है गैस को वहां आते हुए, जो कि कोई और नहीं बल्कि द ट्रेंच का वार्डन मेटामॉर्फो होता है। मेटामॉर्फो प्लास्टिक मैन को रुकने को बोलता है, पर तभी उसे एक जबरदस्त आवाज आती है। तब सारे प्रिजनर्स ट्रेंच के बाहर सुपरमैन को डोम को नॉक करते हुए देखते हैं, जिसपे ल्यूक प्लास्टिक मैन को कहता है कि अच्छा हुआ आप मिलने आए। तब ल्यूक मेटामॉर्फो से कहता है कि अब मैं अपने सेल में जाता हूँ, पर तभी प्लास्टिक मैन किलोवॉक को आवाज लगाता है, और अगले ही पल प्लास्टिक मैन सारे ग्रीन लैंटर्न्स को उनकी लैंटर्न रिंग दे देता है, और ये देखते ही सिनेस्ट्रो की हालत खराब हो जाती है, पर हेल उसे रुकने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। सिनेस्ट्रो डोम को छेदता हुआ अपनी रिंग से किलोवॉक पर अटैक करता है, और अगले ही पल किलोवॉक मारा जाता है, जिसके साथ साथ डोम में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जहाँ से बहुत सारा पानी अंदर आना शुरू होता है। तभी सारे लैंटर्न्स अपनी रिंग से डोम को कवर करते हैं, पर प्लास्टिक मैन उन सबको रोकता है, और तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उस छेद को कवर करते हुए ये बोलता है कि ये छत टूट के सबको अपने साथ खत्म कर लेगी, और सुपरमैन बिना हमें मारे हमें नहीं रोक सकता। तब प्लास्टिक मैन अपने बेटे को बेल्ट एक्टिवेट करने को बोलता है, वो बेल्ट होती है मिरर मास्टर की, और तभी ल्यूक उस बेल्ट से डोम के अंदर एक मिरर डायमेंशन का रास्ता खोल देता है। तब प्लास्टिक मैन ल्यूक को खुद को स्ट्रेच करने को बोलता है। ल्यूक अपने आप को स्ट्रेच करके सारे प्रिजनर्स को खुद को पकड़ने को बोलता है, और तब वो अपने पिता के पास आता है। प्लास्टिक मैन अपने आप को स्ट्रेच करे पानी को रोक के रखता है, और तब तक सारे प्रिजनर्स वहां से निकल चुके होते हैं। तब ल्यूक अपने पिता से कहता है कि चलो मेरे साथ, जिसपे प्लास्टिक मैन कहता है कि मैं नहीं जा सकता। तब ल्यूक कहता है कि मुझे पता है कि आपको ड्रामा पसंद है, जिसपे प्लास्टिक मैन कहता है कि हाँ ये तो सही बात है। तब प्लास्टिक मैन और ल्यूक वहां से निकलते हैं, और अगले ही पल पूरा ट्रेंच तबाह हो जाता है। तब मिरर डायमेंशन के अंदर प्लास्टिक मैन उन सबसे बोलता है कि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इविल हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी इविल ताकत फिलहाल सुपरमैन पर फोकस करें। जिसपे किलर क्रॉक कहता है कि बिल्कुल, और ऐसा कह के वो सारे मिरर डायमेंशन के रास्ते से बाहरी दुनिया में निकल जाते हैं। तब प्लास्टिक मैन ल्यूक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम सुपरमैन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिसपे ल्यूक कहता है कि हाँ, या फिर हम तब तक छुपे रह सकते हैं जब तक और भी क्वालिफाइड लोग उसे ना हरा दें। Fall for gravity.